इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक प्रोडक्ट मेथड है और दूसरा एवरेज मेथड है। एवरेज मेथड तब यूज होता है बेटा जब आपके ड्राइंग्स इक्वल एंड रेगुलर इंटरवल्स पे होती रहती है, मतलब आप ड्राइंग्स कर रहे हो इक्वल इंस्टॉलमेंट पे एंड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड पे, तो आपका एवरेज मेथड यूज होता है। बट प्रोडक्ट मेथड तब यूज होता है जब आपके ड्राइंग्स इररेगुलर इंटरवल पे मतलब अनइक्वल अमाउंट पे होती है, मतलब किसी भी टाइम आपने विड्रॉ कर दिया मिड ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, अनइक्वल अमाउंट, तो उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में हम यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड। पॉइंट समझे? ये सारे बच्चे समझे? ओके ओके नाउ अब आपको इसमें एक चीज और भी समझना बेटा, ठीक है, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। एवरेज मेथड के अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है एवरेज मंथ का। एवरेज मेथड के अंदर एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है बेटा एवरेज मंथ का। तो अगर एवरेज मंथ आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर एवरेज मंथ आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ध्यान रखना हमेशा हम एवरेज मंथ कितना कंसीडर करेंगे, बाकी बच्चे बताएं कितने मंथ अज्यूम करेंगे, 6 मंथ। आयुषी बात समझ में आई? आयुषी ठीक है ओके। अब हम आते हैं सबसे पहले तो फॉर्मूलाज पे, ठीक है, कि फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। पहले एक बार हम लोग फॉर्मूला समझ लेंगे, अगर एक बार अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ जाएगा बेटा तो काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो एवरेज मेथड का हम फॉर्मूला समझेंगे। एवरेज मेथड का बेटा फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फॉर्मूला ये टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12, ठीक है, वापस से रिपीट करता हूँ। एवरेज मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है, और वो ये है कि टोटल ड्रॉइंग कैलकुलेट करना इजी है, रेट आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, बस आपको जो मेन फोकस रखना होगा बेटा वो कैलकुलेट करने में, वो है एवरेज मंथ का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि एवरेज मंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बेटा एवरेज मंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। क्या है फॉर्मूला? इनटू नहीं प्लस, ठीक है, हाँ जी। अब इसके ना कुछ केसेस है बेटा, तो पहले एक एक करके सर हम केसेस समझते हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें समझ पाएंगे। सो केस नंबर 1 मेंशन है व्हेन ड्रॉइंग्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, चलो सपोज करो मैं यहाँ पर वो वैल्यूज भी ले लेता हूँ, हमने 5000 रुपीज का विड्रॉ किया है, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है लेट्स से एट द रेट 10% का। तो पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज बाय 12। तो बेटा अगर हम हर मंथ 5000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं तो टोटल ड्रॉइंग यानी पूरे साल का कितना विड्रॉल हो गया, फॉर द ईयर पूरे साल का कितना विड्रॉल हो गया, 60,000, ठीक है ओके। इंटू रेट बेटा हमें कितना परसेंट का इंटरेस्ट पे करना है, 10% का इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटू रेट मतलब 10/100। नाउ अब हमें जो मेन चीज फोकस करनी होगी वो होगी कि एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड बेटा जी एवरेज मंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। तो सपोज करो हम ये कहते हैं बेटा कि ड्रॉइंग्स हमने की है हर मंथ की बिगिनिंग पे, यानी अप्रैल की फर्स्ट को, मई की फर्स्ट को, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर मंथ की फर्स्ट को हमने विड्रॉ किया है। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। बेटा हमने फर्स्ट ड्रॉइंग कब की थी, बचा लो
अगर हमने हर मंथ की बिगिनिंग को किया है तो फर्स्ट ड्रॉइंग हमने कब की है? फर्स्ट अप्रैल को. ओके बेटा, फर्स्ट अप्रैल को अगर हमने फर्स्ट ड्रॉइंग की तो हमारे पास कितने मंथ्स लेफ्ट है बेटा? 12, क्योंकि पूरा पूरा अप्रैल भी इंक्लूड होगा. प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, हमने लास्ट ड्रॉइंग कब किया है? मार्च फर्स्ट को. बेटा कितने मंथ्स लेफ्ट हुए हमारे पास, कितने मंथ्स बचे? 1. सो 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो बेटा 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा एवरेज? 6.5. और अब हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे. सब बच्चों को पॉइंट समझ में आया? ओके ना, इसके बाद बेटा आता है हमारा सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हेन ड्रॉइंग्स मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. अब हम ड्रॉइंग्स करेंगे बेटा हर मंथ की एंड को. तो हर मंथ की एंड का मतलब क्या होता है पहले वो भी समझ लो. हर अच्छा मैं यहाँ पर एक एज्यूम कर रहा हूँ 30. अब ये मत बोलना सर किसी में 31 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 28 या 29. नहीं, हम एक नॉर्मल एजम्पशन रख रहे हैं कि हर मंथ का एंड बेटा 30th को हो रहा है. तो अगर हर मंथ को बेटा हमने हर मंथ के एंड पे विड्रॉल किया तो यानी हमने पहली विड्रॉल कब की होगी? अप्रैल को. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट विड्रॉल हो गई. एंड हमने लास्ट विड्रॉल कब किया होगा? ओके अब आप मुझे एक बात बताएं, फर्स्ट विड्रॉल हमने 30th अप्रैल को की, कितने मंथ्स हमारे पास लेफ्ट हैं? ओके एंड हमने लास्ट ड्रॉइंग 31st मार्च को की, कितने मंथ्स हमारे पास लेफ्ट हैं? 0. सो 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 हाउ मच? 5.5 by 12. यानी हर मंथ की अब कब होगी बेटा? मिड को होगा. सो लेट्स से हम हर मंथ का मिड भी कितना मान लेते हैं? 15th मान लेते हैं. तो बेटा एक बात बताएं, फर्स्ट विड्रॉल हमने कब किया होगा? ओके एंड लास्ट कब किया होगा? लास्ट कब किया है? ओके अब आप लोग बताएं बेटा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, अगर हमने पहली विड्रॉल अप्रैल 15 को की कितने मंथ्स हमारे पास बचे हैं बेटा अभी? 11.5, दैट मींस 11.5, क्योंकि अप्रैल का हाफ मंथ एंड बाकी पूरे 11 मंथ्स. ओके एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग हमने मार्च 15 को किए, कितने मंथ्स बचे? 0.5. क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 12 डिवाइड बाय 2 हाउ मच? 6 मंथ्स. सारे बच्चों को क्लियर हुआ? परफेक्ट. नाउ व्हेन ड्रॉइंग्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. अब हम ड्रॉइंग्स करेंगे बेटा हर क्वार्टर की बिगिनिंग को. पहले तुम मुझे एक बात बताओ, एक साल में कितने क्वार्टर्स? 4. एंड बेटा एक क्वार्टर कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स. तो मतलब ये कि पहला क्वार्टर हमारा अप्रैल से जून का होगा, दूसरा क्वार्टर बेटा हमारा जुलाई से सेप्टेम्बर का होगा, थर्ड क्वार्टर हमारा अक्टूबर से दिसंबर का होगा एंड लास्ट क्वार्टर हमारा जनवरी से मार्च का होगा. पहले बताओ ये पार्ट समझ के सब लोग. ओके नाउ व्हेन ड्रॉइंग्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग पे. तो बेटा पहले क्वार्टर का बिगिनिंग डेट क्या होगा? 1st अप्रैल. दूसरे क्वार्टर का बिगिनिंग डेट होगा 1st जुलाई. तीसरे क्वार्टर का बिगनिंग डेट होगा 1st अक्टूबर एंड द लास्ट क्वार्टर का बिगनिंग डेट होगा 1st जनवरी. पहले बताओ ये समझ में आया? ओके ना, अब हमें कैलकुलेट करना था बेटा एवरेज मंथ. सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, हमने फर्स्ट ड्रॉइंग की है बेटा मार्च 1st को, कितने मंथ्स लेफ्ट?
सॉरी अप्रैल फर्स्ट को किए, कितने मंथ्स लेफ्ट? थ्री. ओके, बाकी बच्चे बताएं. ओके, बाकी बच्चे 12. अब मेरी बात ध्यान से जरा, बाकी दोनों बच्चे सुनना जिन्होंने 3 बोला. देखो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग. क्या मैंने ये पूछा आप लोगों से कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर? अगर ये पूछता कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर तो समझ में आता कि हम 3 मंथ्स हैं. बेटा देखो हमें पूरे साल का कैलकुलेट करना होता है, तो भले हमने अप्रैल फर्स्ट को किया हो और ये हमारा क्वार्टर टाइम चल रहा हो, लेकिन हम तो पूरे साल की कैलकुलेशन देखते हैं. सो दैट मीन्स अगर हमने अप्रैल फर्स्ट को विड्रॉ किया तो अभी भी हमारे पास पूरे साल के 12 मंथ्स बचे हैं. पाठक एंड सेजल, बात समझ में आई? ओके, सो 12 मंथ्स एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग. हमने लास्ट ड्रॉइंग किया बेटा जनवरी फर्स्ट को. अब बताओ कितने मंथ्स बचे बाकी बच्चों? 3 मंथ. सही जब पॉइंट समझ में आया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाय 2, दैट इज 7.5 बाय 12. क्लियर एवरीवन? सब बच्चों को समझ में आया? ओके, सेकेंड लास्ट केस बेटा, व्हेन ड्रॉइंग्स मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. अब हम क्या करेंगे बेटा, हर क्वार्टर की एंड डेट को विड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो मैं बताता हूँ हर क्वार्टर की एंड डेट का मतलब क्या हुआ. जैसे फर्स्ट क्वार्टर है हमारा अप्रैल से लेके जून तक का, तो बेटा जी सबसे पहली ड्रॉइंग हमने कब की होगी? एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी क्वार्टर का एंड पीरियड कब होगा? 30 जून. बात समझ में आई? सिमिलरली सेकेंड ड्रॉइंग हमने कब की होगी? एट द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर, देन एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर. अब एक बात बताओ, पहली ड्रॉइंग हमने की जून 30th को, कितने मंथ्स लेफ्ट? बाकी बच्चे बताएं? कितने मंथ्स लेफ्ट? 9 मंथ्स. ठीक है, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, हमने लास्ट ड्रॉइंग 31 मार्च को की, कितने मंथ्स लेफ्ट? 0. तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, दैट मींस हमारा एवरेज मंथ कितना आ जाएगा? 4.5. क्लियर? सारे बच्चों ओके. एंड द लास्ट लास्ट केस इज व्हेन ड्रॉइंग्स मेड एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर. अब हम विड्रॉ करेंगे हर क्वार्टर के मिड डेट को. तो ध्यान से समझ लें इसका मिड डेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार पहले वो समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मंथ्स की बात करते हैं. तो बेटा हमारा पहला विड्रॉल हुआ होगा मई 15 को, क्योंकि ये पहले क्वार्टर का मिड डेट है. दूसरे क्वार्टर में बेटा हमारा विड्रॉल हुआ होगा 15th ऑफ अगस्त, सिमिलरली 15th ऑफ नवंबर एंड 15th ऑफ जनवरी. तो बेटा हमने पहली ड्रॉइंग की है 15th ऑफ मई को, कितने मंथ्स लेफ्ट? 10.5. एंड बेटा हमने लास्ट विड्रॉल किया है 5th 15 को, अब कितने मंथ्स लेफ्ट? So, अगर आप इसको टोटल करो तो 12 डिवाइड बाय 2, दैट मींस हाउ मेनी एवरेज मंथ, एवरेज मंथ कितना आएगा? 6 मंथ्स आएगा. सारे बच्चे यहां तक क्लियर है? एवरीवन ओके. नाउ अब हम बात करेंगे बेटा एक एजम्पशन की. अगर मान लो क्वेश्चन में आपको एवरेज मंथ के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको बेटा ये इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे मान लो आपके पास इंफॉर्मेशन ऐसे ये मेंशन है कि ड्रॉइंग्स मेड 5000, ठीक है, फॉर एवरीवन,
आपको सिर्फ ये गिवन है कि हर मंथ हम 5,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, अब बिगनिंग पे कर रहे हैं, एंड पे कर रहे हैं, मिड पे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है। तो बेटा उस केस में हमारा एवरेज मंथ हमेशा कितना कंसीडर होगा? बाकी बच्चे बताएं। राइट, 6 मंथ्स का। सारे बच्चों लोग को ये असम्पशन क्लियर है? अब तो सारे बच्चों को बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का एवरेज मेथड अच्छे से क्लियर हुआ? एवरीवन फाइन। अब हम आते हैं बेटा जरा एक और मेथड पे, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट मेथड बेटा हम तभी यूज करेंगे या तो क्वेश्चन में मेंशन हो कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट मेथड से, या फिर अगर ड्राइंग इररेगुलर इंटरवल पे अनइक्वल अमाउंट पे हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे बेटा, हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। अब इसमें ना मेन चीज आपको क्या समझना है वो है ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। तो रेट आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, हमेशा 1/12 करना है, ये आपको हमेशा याद रहेगा। मेन चीज हमें ये बेटा कि हम ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं पहले। सपोज करो, पहले तो इसकी टेबल देख लो। पहले तो आपको डेट मेंशन होगा, ड्राइंग्स का डेट मेंशन होगा। तो आपने सपोज करो बेटा ड्राइंग्स मेंशन है, अमाउंट मेंशन है। अब आपको मेंशन क्या है कि हमने पहली ड्राइंग की सपोज करो 1 अप्रैल 2019 को, हमने दूसरी विड्रॉल की बेटा लेट सपोज 30 सितंबर 2019 को, फिर हमने विड्रॉ किया बेटा लेट से 1 नवंबर 2019 को, एंड हमने एक और विड्रॉ किया बेटा 31 जनवरी 2020 को। तो सबसे पहली चीज अगर आप देखो तो क्या ड्रॉइंग्स के मंथ में रेगुलरिटी है या इरेगुलर है? टाइम पीरियड जो है वो रेगुलर इंटरवल है या इरेगुलर इंटरवल है? ओके, मान लो अमाउंट है बेटा 2000, 7000, 1000, 5000, क्या अमाउंट में भी इनइक्वालिटी दिख रही है? तो इसीलिए हम यहां पर यूज करेंगे बेटा प्रोडक्ट मेथड। अब ध्यान से समझें, सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट मतलब ड्राइंग करने के बाद हमारे पास कितने मंथ्स लेफ्ट होते हैं। अगर हमने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, हमारे पास कितने मंथ्स लेफ्ट? ओके बेटा, हमने 30 सितंबर को विड्रॉ किया, हमारे पास कितने मंथ्स लेफ्ट? ओके बेटा, हमने 1 नवंबर को विड्रॉ किया, तो नोटिस करना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स लेफ्ट? 5। एंड सिमिलरली अगर हमने 31 जनवरी को विड्रॉ किया तो अब हमारे पास कितने मंथ्स लेफ्ट? 5। अब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा यहां पर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, हमारे पास जितने मंथ्स बचे होंगे इनटू अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो बेटा अमाउंट ऑफ ड्राइंग 2000, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट 12, तो प्रोडक्ट कितना है हमारा 24,000। सिमिलरली अमाउंट ऑफ ड्राइंग 7,000, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट 6, तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 42,000। सिमिलरली 5,000 एंड सिमिलरली 10,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट का क्या करना था? टोटल। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू बेटा, हम इसका क्या करेंगे? टोटल करेंगे। सो टोटल किया हमने, लेट्स से 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 42, अब हाउ मच? 15 प्लस 2 17 67 नहीं सॉरी 57 एंड 57 प्लस 24 81,000, कितना आया हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट? 81,000। एंड बेटा अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट लेट से 10% गिवन है इंटू 1/12। क्या सारे बच्चों को समझ में आया?
सारे बच्चों को, सारे बच्चे पे एवरीवन। ओके ठीक है, सिंस सारे बच्चों को समझ में आया बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के दो पॉइंट्स होते थे बेटा, एक एवरेज मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। एवरेज मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज अपॉन 12। एवरेज मंथ अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो 6 मंथ्स अज्यूम्ड होता है, और अगर हमें एवरेज मंथ कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर हमें प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट करना है बेटा तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। एंड प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्रॉइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट एंड उसका टोटल कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। सारे बच्चे क्लियर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन से? एवरीवन एवरीवन आर यू शेयरिंग? जैन राशा ओके ना, अब हम बात करेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, ध्यान रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के दो तरीके होंगे, एक जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड रहे और दूसरा बेटा जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहे। ध्यान रहे इस पॉइंट में कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहेगी तो हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बट अगर बेटा पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दैट इज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में मतलब आपको कैसे पता चलेगा, तो बेटा अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कैपिटल इज फिक्स्ड तभी आप जो है अज्यूम करोगे कि आपका कैपिटल में मतलब कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और अगर कुछ नहीं मेंशन है तो ध्यान रहे बेटा हम हमेशा अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है। कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स नहीं। क्या है? फ्लक्चुएटिंग। एंड उस केस में बेटा हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे क्योंकि यहीं से आपको आराम से समझ में आएगा, तब पार्टनर्स फिक्स कैपिटल का भी समझ में आएगा। सबसे पहली चीज बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीजें पार्टनर्स को मिलनी होती है या जो चीजें पार्टनर पे करता है। ठीक है, अब देखो सब एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के आइटम समझेंगे। क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम क्या किया मैंने बेटा, बाय बैलेंस बीडी यानी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब होता है कि पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। पॉइंट समझे सारे? ओके, दूसरा पॉइंट होता है बेटा बाय बैंक एंड कैश अकाउंट। अगर पार्टनर ने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया, शाबाश, एडिशनल कैपिटल। अब एक बात बताओ, पार्टनर को टोटल तीन इनकम्स मिलती थी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक कमीशन, एक सैलरी। सिंस ये तीनों चीजें इनकम होती हैं पार्टनर्स के लिए, सो ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड आया। पॉइंट समझे सारे बच्चे? एंड इसके अलावा पार्टनर्स को बेटा और क्या मिलता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी कहां जाएगा, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड। यहां तक सारे बच्चे समझे? सारे ओके। अब जरा पार्टनर्स के एक्सपेंस देख लेते हैं। अगर अच्छा, पार्टनर दो तरीके से विड्रॉ कर सकता है बेटा, या तो प्रॉफिट में से पैसा विड्रॉ करेगा या कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करेगा। अगर कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है तो ऑफकोर्स वो कैश लेके जा रहा है, तो कैश का रिसीवर है और उसके लिए वो चीज एक्सपेंस होगी क्योंकि उसका शेयर कम हो जाएगा, लॉस होता है। सो डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू कैश या बैंक, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल।
और अगर उसने प्रॉफिट में से विड्रॉ किया है तो सिंपली हम उसे प्रेजेंट कर देंगे ड्रॉइंग्स के नेम से, ठीक है। देन इसके अलावा पार्टनर और क्या पे करता है बेटा, उसके लिए एक्सपेंस क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना, और अगर बाय चांस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस हो गया तो वो भी पार्टनर को सफर करना पड़ेगा, तो वो भी डेबिट साइड आएगा। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड की टोटलिंग करेंगे दोनों पार्टनर्स की या जितने भी पार्टनर्स हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा उस बैलेंसिंग फिगर को हम मेंशन करते हैं किस नेम से, बैलेंस कैरी डाउन के नेम से। पहले बताओ ये बात समझ में आई, सबको? ओके ना, एक बार वापस से हम एक बार और समझ लेते हैं बेटा, सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी आएगा, यानी ब्रॉट डाउन। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी बेटा अपने बिजनेस के अंदर। पॉइंट समझे सारे बच्चे? ओके, देन बेटा अगर मान लो पार्टनर्स ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई तो बाय कैश या बैंक के नेम से पार्टनर को तीन इनकम मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, कमीशन मिलता है, सैलरी मिलती है, तो वो तीनों भी पार्टनर्स के क्रेडिट साइड जाएगा। और अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया तो वो भी पार्टनर्स के क्रेडिट साइड जाएगा। क्लियर? ओके ना, अगर बेटा पार्टनर ने कुछ भी पैसा विड्रॉ किया है तो अगर प्रॉफिट में से विड्रॉ किया है हम उसे मेंशन करेंगे टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेबिट साइड, और अगर कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया है तो टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कर रहा है, ठीक है, तो वो भी किस साइड जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। और अगर बाय चांस पार्टनर्स को लॉस हुआ तो वो बेटा अगेन पार्टनर्स के लिए ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो हम मेंशन करेंगे टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में लॉस, और वो भी जाएगा डेबिट साइड। फिर हमारा लास्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड की टोटलिंग करेंगे एंड जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए यानी डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हम उसे मेंशन करेंगे टू बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन। क्लियर? सारे बच्चों, एवरीवन, ओके जी, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया। अब इसी के बेसिस पे हम समझेंगे कि अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती तो हमें क्या प्रिपेयर करना होता बेटा, एक कैपिटल अकाउंट एंड एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब उस करंट ईयर में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, और कैपिटल का मतलब कितना कैपिटल से रिलेटेड ट्रीटमेंट है। तो बेटा जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया वो तो हो गया बाय बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट में, और अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो हो जाएगा बाय कैश या बैंक, और अगर विड्रॉल किया है कैपिटल में से, यानी कैपिटल में से पैसा अगर विड्रॉ किया बेटा तो उसे हम मेंशन करेंगे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। बात समझे? और बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाएगा बेटा बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर सारे बच्चों? एंड करंट अकाउंट में बेटा अगर करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी गिवन है तब तो ठीक है, वरना ये कॉलम कुछ नहीं होगा। अब पार्टनर्स को करंट ईयर में यानी करंट अकाउंट में क्या क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा करंट ईयर में, कमीशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और अगर पार्टनर ने बेटा करंट ईयर के प्रॉफिट में से विड्रॉ किया तो टू ड्रॉइंग्स डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करंट ईयर में पे किया तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एंड करंट ईयर में अगर उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में लॉस, एंड अगेन यहां का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन के नेम से। नाउ अगर आप नोटिस करो बेटा तो डिफरेंस ये है कि जब हम पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है और हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बेटा ये दोनों अकाउंट मर्ज हो जाते हैं, ये दोनों अकाउंट मर्ज होकर के एक अकाउंट बनते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ये चीज नोटिस किया आप लोगों ने? और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो कैपिटल अकाउंट में ये पोर्शन चला जाता है एंड बाकी बचा हुआ पोर्शन बेटा जो आपका रहता है वो चला जाता है कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में। यही चीज थी? पॉइंट समझे?
एवरीवन ओके। अब देखो हमने ये दो टॉपिक कंप्लीट किए।